तैयारी जोरों शोरों से चलती हुई। ये तो कुछ भी नहीं है, तीन बैग में पूरे सर्दियों के कपड़े भर के जाए जा रहे, इनमें भी भरना पड़ेगा। ये पूरी अलमीरा ये वाली खाली हुई, ये वाली पूरी खाली होगी। और आज मैं 2 महीने बाद घर जा रहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच बताऊँ तो मुझे बुरा फील हो रहा कि मैं इतने समय से घर क्यों नहीं गया। और है भाई रे, क्या रे कहाँ जा रहा, वर्ल्ड टूर पे निकल रहा क्या? सब कुछ पैक कर लिया आज तो। ये वाला बैग भी तेरा ही है? चद्दर बद्दर, बेड चद्दर कंबल सब कुछ, एक छोटा बेड इसमें भी है। मेंटल हेल्थ अपडेट क्या? ज़ारा अपडेट अपडेट हटा दो मेंटल। ज़ारा एडिडास में तो नहाते दिखोगे लगे आप, या तो ज़ारा या एडिडास, कहाँ से कूपन ऊपर आ रही है? पोमा मुझे भेज देना। पानी की बोतल ला रहे? रखी है। चलो, क्योंकि मौसम सडनली चेंज हो गया यार, है ना, बहुत गर्मी हो रही है। जब से आए हैं तब से पानी की बोतल रखते हैं। सेफ्टी हो गए भाई। अरे हाँ, इसके गाने चले। चलो बाय बाय बाय, गेट बंद कर देते हैं मगा। अबे ये तो कुछ गाड़ी वाली पलट गई, लगेज वाली वो है देख, हाँ छोटा देख के सामने देख, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस हल्का सा तो मुड़ गया कैसे, वो ड्राइवर के तो अच्छी खासी चोट आई हुई। एम्बुलेंस तो होगी यार, एक्सप्रेस वे ना बहुत देख के चलना चाहिए वो ही ना। और ये छोटे अति वो जो ये जोन से वाला था नियो, इसके इतने इतने पतले टायर रहे इसके, बहुत बहुत ज्यादा वैसा हिलता रहे चलते हुए, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें जरा सी। हाँ वही सामान लोड था उस पर पिछले कुछ, पता नहीं लोग बाग यार, बात ही है ना इन हाईवे पे कुछ भी लेके चलते हैं। सामान भी अलाउड नहीं है लगेज वाली कोई भी व्हीकल, बट फिर भी मुझे तो समझो। या आज व्लॉग कर रहे हैं, बहुत दिन बाद एक नॉर्मल दिन का व्लॉग। वैसे तो हमारे सारे दिन नॉर्मल दिन ही है, बट आज बहुत दिन बाद एक नॉर्मल दिन के व्लॉग का करने का मन हुआ। इस दिन सिर्फ हम वही दिखाएंगे जो हम पूरे दिन करें, तो ठीक है गाइस बाय। आज का व्लॉग यही करते हैं, यही करें हम पूरे दिन। चलो एक बार कर देना कन्हैया कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। लेकिन रील से पहले वो मत कर देना, तुम्हारा व्लॉग जल्दी आ रहा है, फैमिली को तुम जल्दी व्लॉग दे दो बाद में। आ रहा नहीं आज, शांति से डाल ले व्लॉग दो। अच्छा भाई। बड़े भाई मैंने एक चीज देखी, क्या भले ही किसी के जीवन से किसी दूसरे के लाइफ में कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, चाहे कोई लॉस ना हो रहा हो, बट इंसान दूसरों के डाउनफॉल का बहुत तगड़ा वेट करे यार। ये भले ही उसके जीवन से उसके में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब अच्छा चल रहा था ना तब कोई फर्क पड़ रहा था, अब बुरा ना बुरा चल रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डाउनफॉल इंजॉय बहुत लोग करें, है नहीं? अपना भी कोई वेट कर रहा होगा मैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम तो डाउन पे ही हैं। इससे डाउन तो हम क्या ही जाएंगे, वो ये है, ये तो मेरा मिनिमम है। अब तो बेटे ऊपर हुए देखोगे जाते हुए। अरे मैडम दिखाइए 150 रुपए की। यार कुछ खाने का मन है, बहुत ही अच्छा स्वाद तगड़ा। मेरा भी बहुत ज्यादा मन है, बस पूछ मत तू, बस चल ले जल्दी। क्या खाओगे बताओ? छोरे तो चाय बना देगा, तुमने बताओ। लेकिन छोरिये ने तो नई जॉब ज्वाइन कर ली भाई, अब चाय भाई थोड़ी बनाओ। मैं क्यों नहीं कमा पा रहे मतलब अब ऐसा होगा, अब छोरी की एक वीडियो ऐसी होगी जब यूं बैठा रहेगा कि वो मैं 12th के बाद मैं क्यों कॉलेज नहीं गया। और अब तो इसे ट्विटर पे ट्वीट भी डाल देने चाहिए कि वो लैक्स में सैलरी एट द एज ऑफ 20 ओनली करके। हाँ यार सही है ना, हम तो ये डाल भी नहीं सकते। इससे क्या होगा कि सैलरी मिले ना मिले लाख, लेकिन ट्विटर पे तो देखो नाम से दबदबा हो जाए। ट्विटर पे लोग एज बता के ले रहे हैं, और देखो डाउन टू अर्थ कितना है। आज भी यो होगी चप्पल पहनने है ले भाई, और जिम में जा बहामाज की चप्पल पहन के। अरे भाई मैं तो कह रहा गाड़ी चलाता है वो भी सेलेक्टिव कलर की बाटा की, जो रिलैक्स हो गया मैं किसकी हमें भाई। बहामाज की पुरानी चप्पल टूट गई थी तो बहामाज की लाया नहीं, लाल रंग की लाई गई। अच्छा पुरानी वाली तो बहामाज की जो ब्लू सी वाली फ्लैट बाहर पड़ी हुई है। इस सोसाइटी में इतनी भी चोरी नहीं होती कि एक चप्पल मैंने उठा के फेंकी थी कि चोरी हो जाए, वे भी चोरी नहीं, रोज वो मरी गेट के सामने रख जाए। ये इतना सेफ होना भी ठीक नहीं यार, कुछ तो चुरा लेना चाहिए लोगों को। चप्पल है भाई, कोई कंटेंट थोड़ी है हमारा जो लोग चुरा लें। आज हम मैंने अपनी जो हमारी कॉपी कर रखी ना, और ये लेक चलने वाली 2-3 क्रिएटर्स ने किसी की स्टोरी पे भी देखी मगा सालो, वो ये बाप ने पहले बनाई थी वो ये ओतात में, वो तो थोड़ा मैं अच्छा नहीं होगी किसी के कमेंट सेक्शन में आएगा गाउनों को साले कॉपी कैट ये वो क्या कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट। आजकल तो क्रिएटर ऐसे हैं भैया, एक दूसरे से अपने दोस्तों से लड़ना शुरू करते हैं जिनके साथ वे सालों से कंटेंट बना रहे। बस बड़े भाई कॉपी कैसे, कभी वो ये जीवन में कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा, बस यूं है कि 2 साल बाद तुम मत देखो तुम मत स्टोरी में कॉल आउट कर दिया मुझे। रिश्ते बनाए बड़े भाई कुछ बनाया नहीं, अरे रेगा रिश्ते तो हमने भी तो बनवाना, रिश्ते तो बनते रहेंगे।
रे थंबनेल भाई 10 मिनट दे दो बना रहा। छोटा था ना जब मैं, मतलब छोटा क्या, जब मैं बड़ा हूँ तब भी मैं यही सोचू कि किसी किसी कोठी की जो दीवार हो बाहर की उस पर लिखा रहे ना कि इस दीवार पर पोस्टर लगाना मना है, वो इतना बड़ा और इतनी बार लिखो रखे हैं कि अगर पोस्टर लग जाना वो भी उससे कमी बदल आएगा जितना बड़ा बड़ा यूँ लिख रहे हैं। मैं समझ ही नहीं आया कि आप अच्छा सा पेंट हो रहा सफ़ेद मान लो उस पर काले रंग साहब ने लिख रखा इस दीवार पर पोस्टर लगाना मना है, और उसमें भी आधे लोग क्या करते थे मना को काट देते, वो देखा तूने मिटा के चले जाते इस दीवार पर पोस्टर लगाना है। ऐसा हुआ था एक जगह वो लिखा हुआ था दीवार पर बिजनौर में ही था, मतलब ये मत उसको जज मत करना भाई, बिजनौर को ऐसे लिखा हुआ था मकान बिकाऊ, तो उसने म हटा दिया किसी का कान बिकाऊ लिखा हुआ रहे होता, हम हंसे कर रहे थे पढ़ पढ़ के बड़े भाई ह्यूमर तब सही डेवलप हुआ ही नहीं, बस वहीं रह गया मकान भाई कान भी का ही रहेगा। ये लेकर चले यार बादशाह भाई यहाँ भी न्यू एल्बम का प्रमोशन कर रहे हैं क्या, गुस्सा रहा भाई उसे लग रहा क्या प्रॉब्लम चौधरी जैसा है भैया ने टाइटल दिया था मुझे दिक्कत चौधरी। खाओ खाओ बड़े भाई खाओ। अरे नहीं भैया कैसे खा लूंगा कैमरा खोल लिया तुमने यार मगा आज गाड़ी सर्विस होके आई है भाई काफी समय बाद, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मैंने अपनी सर्विस लेट कराई हो, मैं सोच रहा था जाके करा दूं बट वो पिकअप सर्विस से ही करा दी मैंने, मतलब लेने आ जा की हवाले फिर छोड़ के चले जा, थोड़ा डर तो लगता रहे रास्ते में पटकाना दे गाड़ी को, गाड़ी में कोई चेंज नहीं लग रहा यार, मैंने तो सोचा था गाड़ी कुछ नई सी हो क्या होगी। इसका बुढ़ापा नज़दीक है, ये 70,000 किलोमीटर चल चुकी मात्र 3 साल में, बेचने के लिए नहीं दिखा रहा वैसे ही दिखा रहा, और देख रहा कहीं स्क्रैच तो नहीं है। खैर अभी तो मैं अपने वीडियो शूट से आया उठ के है तो मैं ज़्यादा बोलने का नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बोल चुका, मेरे मुँह का थूक खत्म हो चुका, पहले से खड़ी कराऊँ फिर वीडियो शूट करके तब बात करूँगा। इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी मुझे इस बार 35,000 रुपये ऑलमोस्ट। द थिंग अबाउट टाइम इज़ कि ये साला बिल्कुल रुकता नहीं और कब चला जाए पता नहीं लगता, आज इसे 3rd साल हो गया और हाँ अब तक की तो सबसे कॉस्टली सर्विस मैं कहूँगा ये वाली थी, वरना तो 30 के अराउंड पड़े थी मुझे हर बार। मुझे नींद से उठाया गया एक बहुत तगड़े ऑफर के साथ, ऑफर क्या मुझे नींद से भी आप मर भी जाते ना हम आपको तब जिंदा कर देते। तो सीएम भाई आए थे कह रहे थे यार तुम्हें एंजॉय कराता हूँ मैं तुम्हें ना बहुत ही सेक्सी जगह लेके जाता हूँ, मैंने कहाँ लेके जाता हूँ। देखो सेक्सी में और हॉट में फर्क होता है, हम एक हॉट आदमी को एक सेक्सी जगह ले जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब ये फुलमून पार्टी करके आए थे थाईलैंड और हम उससे पहले थाईलैंड गए थे लेकिन हमें फुलमून पार्टी करनी थी, तो सीएम भाई ने खास मेरे लिए एक नई ऑर्ग बनाई है देश विदेश डॉट इन है देश विदेश ट्रेवल्स, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें हमारे से मतलब होना चाहिए। ये फाउंडर ये को फाउंडर मैं असिस्टेंट मैनेजर तो हम सब लोग 21 अप्रैल को निकल रहे हैं थाईलैंड के लिए जी, मुझे करेक्ट कर देना जहां भी मैं गलत बोलूं। अरे आपको तो अभी कंफर्म करेक्ट है, आपको तो वो नहीं फ्लाइट हमने अभी बुक कर ली है, सारे किंग्स जा रहे हैं सय्यम भाई जा रहे हैं, फुल मून पार्टी है थाईलैंड में जहाँ पे हम फूके जाएंगे करा भी जाएंगे और कोसुमो भी जाएंगे, वहीं पे ही है ना फुल मून पार्टी, कोफंगन में है कोफंगन भी जाएंगे हम लोग, मतलब फुल नंगा नाच। देखो मैं तो चड्डी पहन के मैं कैल्विन क्लाइन का ब्रांड एंबेसडर में जाता हूं, मैं चड्डी पहन के ला दूं आप लोगों को देखने पे। तो जितने लोग भी जाना चाहते हो, मतलब कोई विदेश का प्लान बनाना चाहते हो, थाईलैंड का प्लान बनाना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, या कहीं और भी कहीं घूमना चाहते हो, अब तो गर्मी आ गई इंडिया में तो घूमने का कोई मतलब है नहीं, तो सय्यम भाई वही है हमारे लोगों के लिए बता दो भाई। भाई 21 अप्रैल को मैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ थाईलैंड जा रहा हूँ। तुम तो जा ही रहे हो भाई हाँ। लेकिन ये अपने लोग हैं इनके लिए बता दो तुम कि क्या पड़ेगा, जो भी डिटेल्स हैं वो लक्ष्य अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। 38,000 का जो है पैकेज है और उसमें सब इंक्लूडेड है, खाना रहना सोना मसाज, देखो गाइस मसाज नहीं मसाज अपने पैसों से ही लेनी है, मसाज तो फ्री में एक बार हम दे सकते हैं फ्री में, पर ले सकते हैं दे दे सकते एक एक बार मैं दे दूंगा अगर आ गए तो हाँ, वो गूगल फॉर्म में ही ना बताना पड़ेगा कि हमारी सब्सक्राइबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दूंगा उसमें डिटेल भी होंगी अगर एक दो डिटेल हमने दी नहीं होगी। फ्लाइट सबको खुद ही करानी है क्योंकि लोगों को फ्लाइट पे डिस्काउंट मिल जाता है खुद ही क्रेडिट वेट। और हाँ भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और भी उल्टा नुकसान में ही लेके जा रहे हैं। मैं तो खुद बस मैं फुल मून पार्टी की वजह से ही जा रहा हूँ, मैं यार मैंने देखी नहीं तो अगर कैमरा ऑन होने से पहले बोले थे
हाँ नहीं मैं तो किसी और की वजह से जा रहा हूँ, वैसे मैं पिछली बार दोस्त बना गया था कुछ वहाँ पे, और सही है मैंने ऑलरेडी काफी सारी बुकिंग करा दी है, तो मैंने कहा जब मैं जा रहा हूँ तो अगर हम में से हमारे सब्सक्राइबर से कोई जाना चाहे तो बढ़िया है भाई, साथ में चलेंगे वहीं मिलेंगे, बढ़िया फीमेल सब्सक्राइबर नहीं भाई, पैसा तो मेल के पास होगा किसी के पास, बहुत बहुत बड़े बड़े बाप के लड़के हैं भाई, भाई बाप के लड़के नहीं, बाप कितने बता रहे हो, कितने का पैकेज बता रहे हो, अरे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई, कितने गए सब्सक्राइबर, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई, कितने गए 38,000 ये 72,000 रुपए मुंह पे मारेंगे भाई यूं, अच्छा हाँ ये कहेंगे कि लक्ष्य भाई का भी हमने दे दिया ठीक है भाई फॉर्म डाल देते हैं, देख हमने सच में फ्लाइट बुक कर दी, मैं अगर ये व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे ना मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बार कोड ब्लर करके, क्यूआर कोड भी डाल देते पेमेंट ही वाला मतलब अगर तुम बात करोगे तो सौरभ भाई बात करेंगे, सौरभ भाई की टीम बात करेगी, पैसे मतलब आंख बंद करके भेज सकते हो, प्लान कैंसिल हो गया तो वापस नहीं मिले सारी डिटेल्स होंगे उसके अंदर फॉर्म के अंदर, और सारी पोस्ट आइटनरी सब कुछ मिल जाएगी, टीम कनेक्ट कर लेगी एक बार आपसे और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और मुझे लग रहा है चलेंगे यार ये लोग, जब हम इतने स्मार्ट स्मार्ट लड़के जा रहे हैं तो भाई लड़कियों को ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि लड़के भी साथ में जा रहे हैं थाईलैंड, और बाकी नए दोस्त भी बन जाएंगे भाई सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो परफेक्ट है भाई, सोलो ट्रैवलर्स के बट आई डोंट थिंक आपके सब्सक्राइबर अफोर्ड कर पाएंगे ईगो पे मार के 100 बुकिंग ले ली सुबह उठते ही मुझे याद आया कि कल रात हमने एक स्ट्रीम की थी जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं जिस चैनल पर हम करते हैं किंग्स हार्ट लाइव पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये प्राइवेट होगा मतलब डिफॉल्ट सेटिंग है इस चैनल की, तो उसको मैं पब्लिक करना भूल गया, और जब तक मैं सुबह उठा तब तक मेरे पे 1,000 मैसेज आ चुके थे कि दल्लो लाइव स्ट्रीम करते क्यों जब पब्लिक नहीं करते, तो पहली बात तो है दल्लो उस टाइम ही क्यों नहीं देखते तुम लाइव स्ट्रीम जब हम करते हैं, अभी मैं उसे पब्लिक करने वाला हूँ, अगर मैंने तुम्हें भी लाइव चैनल का मोनेटाइजेशन दिखा दिया ना तो तुम रो दोगे, इस पर इतनी एड सुटेबिलिटी लगी हुई मतलब येल्लो ही है पूरा चैनल की मोनेटाइजेशन येल्लो है, क्योंकि उसमें मीम अजीब अजीब चलते रहे, कभी कॉपीराइट आ जाए कभी हम गाली बक दें इधर से, 1.5 घंटे की स्ट्रीम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गाली ना दें, ये जिस भाई के घर में माँ बाप बहु बहने नहीं है वो लाइव स्ट्रीम देखने आ जाए, और जिन बहु बहनों के घर में कोई बाप भाई नहीं है वो लाइव स्ट्रीम देखने आ जाए, क्योंकि गाली ग्लोच फुल बदतमीज चलती है लाइव स्ट्रीम पे। हाँ तो मैं ये बताने वाला था कि कल रात मुझे आया एक सपना, और सपने में ऐसा हुआ मैं ना जब ये मुझसे थोड़ी बड़ी हो जाए खुद ही कैची उठा के थोड़ा सा ट्रिम कर दूँ, तो मैं इसे ट्रिम कर रहा था तो गलती से एक तरफ की बहुत ज़्यादा ट्रिम होगी, फिर उसे इक्वल करने के लिए इधर की बहुत ज़्यादा ट्रिम होगी, मुझसे मैंने पूरी काट दी, फिर मेरे से लोग घबरा के भाग गए ना इसीलिए मैंने अपनी दाढ़ी भी ट्रिम कर दी, बाल मेरे बड़े दाढ़ी मूछ हट गई, तो मैं सपने में ही मतलब मैं अपने आप को देख के मुझे ऐसा हो गया लोग यूँ कहने लगे कि भाई अब तो 3-4 साल तेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होने का क्योंकि तेरी दाढ़ी मूछ चली गई, मैं रोता फिर रहा मैंने यार मैंने 12th के एग्जाम में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि मेरा कहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अभी ये मूछ काटनी थी मुझे, अब मेरा कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं होने का, मतलब पता नहीं कहाँ से क्या बात कनेक्ट कहाँ कनेक्ट हो जा, और हम हैं भी अपने सबसे पुराने वाले घर में मतलब जो कि हम जब मैं 7th-8th class में था तब छोड़ दिया था, पता नहीं मैं क्यों बता रहा लेकिन बस ऐसे ही मज़ा आया, और आज मैं उठ भी 10 बजे गया